हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओनियन रिंग्स। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ओनियन रिंग्स बनाने के लिए पहले हम बैटर तैयार कर लेंगे और उसके लिए 4 चम्मच इसमें मैदा डालेंगे। अब 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक मिला लेंगे स्वाद अनुसार। इसमें मैं आधी छोटी चम्मच ऑर्गेनो लीव्स डाल रही हूँ, चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर 1 चुटकी। सारे को मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी मिला के इसका घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको हम मिलाएंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा ही पानी मिलाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। ज़्यादा इसको पतला नहीं बनाना है, ठीक रखना है इसको, क्योंकि ऐसे हम बना लेंगे। देखिए अच्छे से मैं मिला ली हूँ, इतना ठीक रखना है कि एक भी गुठलियाँ नहीं है इसमें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप बस मैदा से भी बना सकते हैं। चलिए अब हम इसको साइड में रख के ओनियन को काट लेते हैं। देखिए मैं 4 ओनियन ली हूँ, बड़ा साइज का लेना है इसमें। इसको छील के धो के मैं अच्छे से साफ कर ली हूँ। मैं चलिए काट के इसको दिखाती हूँ। इसे काटने के लिए हम 1 इंच रखेंगे मोटा। ये वाला भाग हम निकाल लेंगे। देखिए ऐसे काट लेना है। अब इसका हम बीच वाला निकाल देंगे। देखिए इसको फेंकना नहीं है, आप कोई भी सब्जी ग्रेवी में इसको यूज कर सकते हैं। हम इसका ऐसे रिंग निकाल लेंगे। ऐसे हम सारे ओनियन का रिंग निकाल लेंगे और बीच वाला पार्ट हम एक साइड में रख लेंगे। देखिए सारा मैं ऐसे रिंग्स में निकाल ली हूँ, आप लोग भी ऐसे निकाल लीजिएगा। ये बहुत जल्दी बन जाता है झटपट। चलिए मैं आपको बना के इतना दिखाती हूँ। इसको हम सबसे पहले सूखा मैदा में इसको लगाएंगे, इससे थोड़ा डस्ट इसको कर लेंगे, इससे कोटिंग अच्छा होता है। हम इसमें
बैटर में डीप करेंगे इसको। थोड़ी देर तक हम इसको ऐसे रखेंगे, थोड़ा निकाल लेंगे। ब्रेड क्रम्ब में इसको सूखे हाथ से इसको लगाएंगे अच्छे से। एक प्याज का परत बहुत चिकना होता है तो इस पर ब्रेड क्रम्स नहीं लग पाता है। एक बार और इसको डीप में आप लोग डुबा के इसको फिर से ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही हम सारे को ऐसे कर लेंगे। इसको थोड़ी देर तक से रखना है, एक्स्ट्रा जो है निकल जाए। फिर हम इसमें ब्रेड क्रम्ब अच्छे से इसको कोट करेंगे। देखिए हमारा ओनियन रिंग्स से बनाना है, ऐसे हम बना के पहले रख लेंगे इसको। ये देखिए मैं बना ली हूँ, ब्रेड क्रम्ब में लगा ली हूँ अच्छे से। चलिए मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। कढ़ाई रखी हूँ, तेल हमारा गर्म हो गया है और हम ओनियन को फ्राई करेंगे। देखिए अच्छे से हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए ओनियन रिंग्स मेरा बन के तैयार हो गया, मैं प्लेटिंग भी कर ली हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बना है ये, आप लोग भी बनाइए खाइए। कैसा बना है आप लोग का भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बहुत इजी और सिंपल है, झटपट बन के तैयार हो जाता है। थैंक यू।